हेलो बच्चों, कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अपने जो सामाजिक विज्ञान है उसमें चार, मतलब उसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। तो अपने तीनों जो हैं, इतिहास, नागरिकता, अर्थशास्त्र और भूगोल, तो अपने सारे विषय, मतलब चारों पार्ट का अपना आज कोर्स पूरा हो गया बेटा। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्न बताए जा रहे हैं, आप उनको ध्यान दोगे और उनको परीक्षा की दृष्टि से क्या करोगे, तैयार करोगे। स्थलीय भाग को तीनों ओर से, मतलब तीन ओर से समुद्र में घिरा है। एक स्थलीय भाग है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है। उसके ऑप्शंस है तट, बी है द्वीप, सी है प्रायद्वीप और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से घिरा हुआ है वह क्या होगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। तो उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। तो इसका सही आंसर है प्रायद्वीप। भारत में पूर्वी भाग में बाल्यावर की सीमा पर निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। तो ए हो गया हिमालय, बी हो गया उत्तराखंड, सी पूर्वांचल और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पूर्वी भाग में बाल्यावर की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का संयुक्त नाम है पूर्वांचल। पूर्वांचल क्षेत्र से मान्यवर की सीमा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। फिर तीसरा है गोवा के दक्षिण स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। तो गोवा के जो दक्षिण में स्थित पश्चिमी पट्टी को क्या कहते हैं, तो वह है फर्स्ट ऑप्शन है इसका कोरामंडल, बी कोंकण, सी कर्नाटक और डी है उत्तरी सरकार। तो इसका है कन्नड़, जिसका सही आंसर है कन्नड़। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कन्नड़। फिर पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है, अराईमुंडी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी या खासी। तो पूर्वी घाट का, जो पूर्वी घाट है उसका सर्वोच्च शिखर क्या है, तो अराईमुंडी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी या खासी। जो पूर्वी घाट पर है वह है महेंद्रगिरी, वो इसका सही ऑप्शन। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से आपको एक नंबर वाले छोटे छोटे प्रश्नों का आप क्या करना है, अध्ययन करना है। फिर उसके बाद है मसूरी किस राज्य में स्थित है। मसूरी किस राज्य में, मसूरी किस राज्य में स्थित है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी हो गया इसका ऑप्शन हो गया असम। तो मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। मसूरी किस राज्य में स्थित है, तो वह कहाँ है, उत्तराखंड में। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। ब्रह्मपुत्र हिमालय की कौन सी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र है हिमालय की कौन सी सीमा बनाती है, सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी या सबसे उत्तरी। तो जो ब्रह्मपुत्र है हिमालय की, तो वो सबसे पूर्वी वाला है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की कौन सी सीमा बनाती है, तो वह है सबसे पूर्वी। फिर है उत्तरी मैदान का विस्तार कितने क्षेत्र पर है। जो उत्तर का मैदान है उसका क्षेत्र कितने पर है, कितना पे फैला हुआ है। तो जो उत्तरी मैदान का विस्तार है वह 4 लाख किलोमीटर, 6 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर और डी है 8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो उसका सही आंसर है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। जो उत्तरी मैदान का विस्तार है वह कितने क्षेत्र पर है, 7 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र पर है। फिर है उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर कितने उपवर्गों में।
मोटे तौर पे कितने उपवर्गों को विभाजित किया गया है? मतलब जो उत्तरी मैदान है उसे मोटे तौर पे कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? तो दो उपवर्गों में, तीन उपवर्गों में, चार उपवर्गों में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो उत्तरी मैदान के उपवर्ग हैं उनको तीन उपवर्गों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। वे नदियां जिसमें बाढ़ वाले मैदान ऊपर स्थित वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहा जाता है वे नदी के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं जिसे वेदिका जैसा आकृति प्रदर्शित करते हैं जो कहे जाते हैं भंवर, तराई, भंगार या खादर। तो उसे कहते हैं नदी के बाढ़ में काले मैदान के ऊपर स्थित, तो उसे कहते हैं भंगार। कहते हैं भंगार। प्रायद्वीप का पठार किस प्रकार की आकृति वाला होता है? जो प्रायद्वीप पठार होता है वह किस आकृति वाला होता है? कुर्सी, मेष, गेंद या खादर? इनमें से कोई नहीं। तो प्रायद्वीप पठार किस आकृति वाला होता है? कुर्सी, मेज, गेंद या इनमें से कोई नहीं? तो वह मेज आकृति का वाला होता है। भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी लूनी, महानदी, गोदावरी या सिंध? जो भारतीय मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? लूनी। जो लूनी नदी है जो मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? भारत में कितने द्वीप समूह हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 2। तो भारत में 5 द्वीप समूह हैं। कितने द्वीप समूह हैं भारत में? 5। फिर इसके बाद बेटा एक वाक्य में उत्तर दो। तो हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर का नाम बताइए। तो हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है वह कौन सा है? तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट जो है वह सबसे ऊंचा शिखर है। कहाँ का? हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी का किस नाम से जाना जाता है? जो निम्न हिमाचल पर शिवालिक के बीच लंबवत घाटी जो होती है वह किस नाम से जानी जाती है? तो उसका आंसर है दून। नाम से जानते हैं उसको? दून। उसको दून नाम से जानते हैं। सतलुज एवं सिंध के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? जो सतलुज और हिमालय के बीच के नाम से जाना जाता है वह है पंजाब हिमालय। किस नाम से जानते हैं उसको? इसका आंसर है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? जो उत्तरी मैदान है वह किस मृदा से बना है? तो उत्तरी मैदान जलोढ़ का आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदा से बना है। जो उत्तरी मैदान है वह किस मृदा से बना है? जलोढ़ मैदान से। फिर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका जो सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो वह है प्रायद्वीप पठार। इसका आंसर हुआ प्राय
भी भाग है, तो दक्षिण का पठार है किस आकार का क्या है? तो उसका जो दक्षिण का पठार है उसका आकार कैसा है बच्चों? तो उसका आकार है त्रिभुजाकार। कैसा आकार है उसका? त्रिभुजाकार है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो जो चिल्का झील है वह किस राज्य में है? चिल्का झील है ओडिशा में। इसका आंसर है कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। फिर है किस द्वीप के पक्षी अभयारण्य है? किस द्वीप में पक्षी अभयारण्य है? तो जो पिटली द्वीप है वहां पर क्या है? पक्षी अभयारण्य है। तो बच्चों ये परीक्षा की दृष्टि में दृष्टि से याद के लिए एक वाक्य में उत्तर दो का। फिर उसके बाद है बेटा निम्न में से सापेक्ष में उत्तर दीजिए, भंवर क्या है? भंवर क्या होते हैं? तो ये दो नंबर के प्रश्न है बेटा। नदी पर्वत के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती है, उसे क्या कहते हैं? भंवर कहते हैं। तो जो नदी के नदी और पर्वत के बीच में उतरने वाली जो शिवालिक ढाल होती है, तो जो चौड़ी पट्टी का है जो गुट्टिका का निक्षेप करती है, उसे भंवर के नाम से जाना जाता है। फिर हिमालय के तीन प्रमुख विभागों के नाम लिखिए। तो जो हिमालय के तीन प्रमुख विभाग हैं उनके नाम है, मुख्य विभागों के नाम उत्तर दक्षिण में क्रम से बताइए। जैसे फर्स्ट है इसका हिमाद्री, हिमाचल श्रेणी और शिवाली। तो ये तीन प्रमुख विभाग हैं हिमालय के, हिमाद्री, हिमाचल श्रेणी और शिवालिक। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी में कौन सा पठार स्थित है? जो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी पे कौन सा पहाड़, वहां पर मालवा का पठार स्थित है। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रबल भक्ति के हैं, उसे कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं? उसे लक्षद्वीप कहते हैं। फिर है दून किसे कहते हैं और दून के दो दूनों के नाम बताइए। तो निम्न हिमाचल में शिवालिक के बीच पे लंबवत जो घाटी होती है उसको दून के नाम से जाना जाता है। तो देहरादून प्रसिद्ध दून है, देहरादून और कोटली दून और पाटली दून, ये इसके किन्हीं दो मतलब दून के दो नाम है। फिर है सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र स्थित मौजोली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोग निवास है। फिर दोआब का अर्थ बताइए। दोआब का अर्थ है दो नदी के बीच का भाग, उसे दो शब्दों में से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आप अर्थात पानी, दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। फिर खादर क्या है? बाढ़ वाले मैदान में नए तथा युवा विशेषो खादर कहा जाता है। जो बाढ़ वाले मैदान होते हैं वहां नए तथा युवा निक्षेपों का क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। लगभग प्रत्येक पुनर्निर्माण होता है, इसे उपजाऊ होते हैं, यह गहन खेती के लिए क्या होते हैं? आदर्श होते हैं। फिर है धरातलीय संरचना भिन्नता के आधार पर उत्तर
के मैदान को विविधता के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को कितने भागों और भागों में विभाजित किया जाता है? नाम लिखिए। तो जो धरातली संरचनात्मक भिन्नता के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को निम्नलिखित चार भागों में क्या किया गया है? उत्तर भारत जो मैदान है उनको चार भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है भंवर, दूसरा है तराई, तीसरा है बंगाल और चौथा है खादर। तो ये उत्तरी मतलब जो धरातली संरचना की भिन्नता के आधार उत्तर भारत के मैदान हुए उनको चार भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। फिर नर्मदा के दक्षिण और भारतीय पश्चिम तट के तीन प्रमुख खंडों के नाम बताइए। तो नर्मदा के दक्षिण में भारतीय पश्चिम तट होते हैं जो तीन खंडों में है। तो कोणार्क तट हो गया, एक कोणार्क तट हो गया, दूसरा हो गया गोवा और कांगड़ा और तीसरा है मालाबार तट। तो ये पश्चिम दक्षिण के भारतीय पश्चिम तट में प्रमुख खंड मतलब जो खंडों के नाम है वह निम्नलिखित तीन है। पहला है कोणार्क तट, दूसरा है गोवा तट और तीसरा है मालाबार तट। तो बेटा आपको परीक्षा की दृष्टि से मैंने छोटे छोटे एक नंबर और दो नंबर वाले प्रश्न बताए। आप इसको परीक्षा बुक में देखोगे बेटा और इनको आप जो क्वेश्चंस बताए इनको कॉपी में लिखोगे और इनको क्या करोगे? याद करोगे। धन्यवाद बच्चों।